Assalamualaikum, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल। स्टार इन स्टाइल की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम आपके साथ ईद मना रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज, म्यूजिक, ग्लैमर एंड लॉट्स ऑफ गपशप। आज इस ईद पे दो दो खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आज हमारा प्रीमियम एपिसोड है स्टार इन स्टाइल सीजन 2 का। जी हाँ, आज से हमारा प्रोग्राम उसका सीजन 2 शुरू हो रहा है और इस सीजन में हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत सारे नए सेगमेंट्स, नए स्टार्स और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट। बातें तो चलती रहेंगी, ईद की खुशियां हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गेस्ट हमारे आ रहे हैं, हमारा सेट में भी आप आज जगमग रोशनी देख रहे हैं। और शो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल एंड द वेरी टैलेंटेड शर्मीन अली। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी आसिम, ईद की भी बहुत मुबारक और हमारे स्टार इन स्टाइल सीजन 2 की प्रीमियर एपिसोड के लिए। ऑफ कोर्स, और ये सीजन 2 की जो खुशियां हैं ये ईद के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ईद एक ऐसा मौका है जिस पे हम सब स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं एंड प्लस ये मीठी ईद है और मीठी ईद पर हमने बहुत ही मीठे मीठे गेस्ट आपके लिए बुलाए हैं। जी आसिम, आज की हमारी जो गेस्ट लिस्ट है वो बहुत ही पावर पैक्ड है इन माय ओपिनियन, और आने वाली भी सारी एपिसोड्स जो सीजन की होंगी उसमें हमने वुड यू लाइक टू टेल आवर ऑडियंस के किन किन स्टार्स को बुलाया? नहीं, वो तो एक सरप्राइज एलिमेंट हम रखेंगे, बट वी कांट फॉरगेट के सारी जो हमारे पास रिक्वेस्ट थी हमने अपनी ऑडियंस की उन रिक्वेस्ट को पूरा किया है। बिल्कुल पूरा किया है और जो फीडबैक हमें मिल रही थी, थैंक यू सो मच ऑल आर व्यूअर्स, ऑल आर फैंस जो हमें फीडबैक दे रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम। हमारा जो हैशटैग है स्टार इन स्टाइल वो ट्रेंड कर रहा था पिछले दिनों, बिकॉज हमारी सारी पिक्चर्स और सारी वीडियोस बिहाइंड द सीन्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो सरप्राइज एलिमेंट है हमारे सीजन 2 का, उसमें आपके बहुत फेवरेट स्टार्स, सिंगर्स, मॉडल्स, फैशन, म्यूजिक, फिल्म्स, हमने कोई फील्ड छोड़ी नहीं शर्मी। एब्सोल्युटली, लेकिन हमारे जो सरप्राइज गेस्ट हैं इस दफ़ा के, वो हमारी ऑडियंस हर वीक संडे को जब ट्यून इन करेंगी तभी उनसे मुलाकात कर पाएंगी। ऑफ कोर्स, सो आई थिंक कि हम ईद की बातें तो कर ही रहे हैं, ईद का मौका है और हमारे सेट पे आप देख रहे हैं कि जगमग जगमग हो रहा है। ईद का दिन कैसे गुजारा आसिम आप? अपने व्यूअर्स के साथ ये शो करते हुए ईद गुजार रहे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन सुबह के वक्त जब आप उठते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ, फैमिली के साथ, क्योंकि ईद का मौका ऐसा होता है कि यूजली आप लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। Absolutely. सुबह ईद की नमाज, उसके बाद ब्रेकफास्ट, और आपको मैं ईद का मजा ही फैमिली के साथ शुरुआत का है। बिल्कुल, और हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम लोग, स्पेशली जो मेरी फैमिली है, हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं गाँव में, क्योंकि गाँव में हमारी एक हवेली है जिसमें एंड ऑल आर रिलेटिव्स आर देयर। और जो एक ट्रेडिशन है कि जो ब्रेकफास्ट है आफ्टर नमाज, ईद की नमाज जो है वो हम लोगों के घर पे होता है, तो सारे रिलेटिव्स आते हैं। इट्स अ बिग फेस्टिविटी। वेरी नाइस। हमारा तो खैर यहीं पे होता है कि सुबह सबका इकट्ठा होना ददियाल का। अब काफ़ी लोग हैं जो डिस्पर्स ऑफ हो गए, दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए, तो ईद एक वो मौका है जिसपे हम अपने उन रिलेटिव से भी मिल पाते हैं जिनको हम कुछ अरसे से नहीं मिल पा रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त बहुत बेताब हो रहे हैं कि ईद पे हम आपके लिए क्या ईदी लेकर आए हैं। तो हमारी जो आज गेस्ट लिस्ट है वो आप सब के लिए बहुत बड़ी ट्रीट भी है और ईदी भी है आपके लिए। ईदी भी है, एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल से अब अपने ऑडियंस को और इंतजार नहीं कराते, शुरू करते हैं हमारा शो। जी, आपके साथ ईद मनाने के लिए बहुत दूर दूर से स्टार्स को हमने इनवाइट किया है। रियली आसिम? जी। कितना दूर से? बहुत दूर से। तो फिर बुला लें। हाँ, तो पहली जो मेरी गेस्ट हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि उनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है, हमारे शो पे भी आई हैं, मगर सीज़न 2 का प्रीमियर एपिसोड था, जब हमारा सीज़न 1 का प्रीमियर एपिसोड था उसमें भी वो थी। तो हमें कोई इतनी ईमेल और इतने मैसेजेस ऑन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर के प्लीज़ आप उनको दोबारा इनवाइट करें। ऐसा तो नहीं कि आपने इनको अपना गुड लक चार्म बना लिया? यस, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द गॉर्जियस, द ब्यूटिफुल रबिया चौधरी। Looking gorgeous. Thank you so much. And love the color on you. Wow. Thank you. But यहाँ पे मैं जरूर यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ईद मुबारक भी कहना चाहता हूँ
कि इस वक्त हम तीनों ने रानी ईमान बाय फरजीन के आउटफिट्स पहने हैं। ब्यूटीफुल आउटफिट्स है ना? लव देम। लव योर दुपट्टा, लव द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग। एंड दिस वन हैज अ वेरी ओल्ड स्कूल सिंपलिसिटी टू इट जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव द ट्रेडिशनल लुक दैट्स गोइंग ऑन है ना? या एंड यू नो द प्लेन कमीजेस एंड द भरे हुए दुपट्टे, सो 80s एंड आई लव द 80s। लव द 80s। मेरे ख्याल में हमें अब नेक्स्ट गेस्ट को बुला लेना चाहिए। प्लीज, आई कांट वेट, ही इज सो फन। जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो ईद मनाने के लिए स्पेशली न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आए। वाओ आसिम, तो फिर तो हमारे शो पे बुलाना उनको बिल्कुल बनता था। डेफिनेटली बनता था। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड हामिद लतीफ फ्रॉम न्यूयॉर्क। Thanks to you and thank you for inviting me on season 2 of Star in Style. Of course, hamara pehla episode hai aur us pe phir ye to bata tha ki bhai apne friends ke sath aap celebrate karte hain. Eid ka maza double ho gaya aapke aane se. Of course. Acha aap dono hamare sath set par maujood hain. Main puchna chahunga Hamid se ki Eid New York mein aap kis tarah celebrate karte hain? Wahan pe kya festivities hoti hain? Kya aapka routine hota hai wahan? English mein. न्यूयॉर्क में ईद बड़े जोश जज्बे के साथ मनाई जाती है और अब तो ये हो गया कि मेयर ऑफ न्यूयॉर्क जो हैं और गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, उन्होंने न्यूयॉर्क में रबिया एंड शर्मीन एंड आसिम, दे एक्चुअली अलाउ द फ्री पार्किंग मस्जिदों के बाहर और उसको एक नेशनल किस्म का हॉलीडे, स्कूल में छुट्टी भी होती है, पूरे जोश और खरोश से मनाया जाता है। अच्छा, दैट आई डिडंट नो। अब ये है कि मुझे वो जोश और खरोश छोड़ के आपके पास आना पड़ा है। अब यहाँ पर आप सेलिब्रेट करें ईद, तो यहाँ की ईद में और न्यूयॉर्क की ईद में क्या फर्क है? देखिए, ऑब्वियसली कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे तो आपको पता है कि पूरा नेशन ईद मना रहा है, वहाँ पे यूर अ माइनॉरिटी, तो बहुत फर्क है। यहाँ का तो जोश खरोश, आपके सेट का जोश खरोश, आपके कपड़े, रबिया का, बैक स्टेज की बातें, यहाँ का मजा ही फराज मनान बाय द वे। सबसे अच्छा तो आपने ही पहना। थैंक यू सो मच टू माई फ्रेंड आसिम यार टिमाना, जिन्होंने ईद के लिए स्पेशल मेरा आउटफिट फराज मनान। तो बताएं आप दोनों ने ईद का दिन कैसे शुरू किया? हाउ डज इट यूजुअली स्टार्ट फॉर यू गाइस? वेल, आई थिंक एक ट्रेडिशनल वही तरीका होता है जो कि सब स्टार्ट करते हैं सबाइयों के साथ। यू वेक अप एंड मीठा बना हुआ होता है, थैंक्स टू माय मदर। बिल्कुल दूध वाली सबाइयां, आई लव दोस। शीर कोरमा, शीर कोरमा और एक प्लेन होती है जिनमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ दूध और सेवैयां होते हैं। ओके, वो बहुत स्पेशल होता है बिकॉज़ माय नानी यूज्ड टू मेक देम और अभी तक वो ट्रेडिशन बरकरार है क्योंकि मुझे वही खानी होती है मेवे वगैरह के बगैर। अच्छा, तो वो सिर्फ गरम गरम ही मैं खाती हैं, पकाती नहीं हैं। सेवैयां नहीं पकाई अभी तक वैसे। दूसरी चीज है हामिद, आप लोग कुकिंग तो बाहर रहते हुए आई गेस कुकिंग आ भी जाती है। अच्छा, मजे की बात ये कि आपके शोज में तो पहले भी ये बात हो चुकी है, इफ माई मदर इज इन न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में तमाम जो फैमिलीज हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो एक रात पहले पूरी मेहंदियाँ भी लगती हैं, ठप्पे भी लगते हैं, उसके अलावा पूरी डिशेज पाकिस्तान की तरह तैयार होती है। Then the families go to each other. It's a big festival in New York. Okay. रबिया, चांद रात पे क्या करती हो? कोई anything special, anything set? नहीं करती क्या हो चांद रात? चांद को तो नहीं देखती सिर्फ। चांद रात पे कैसे करती हो? चांद रात पे पहले तो ये होता था ऑनेस्टली कि उन सब चीज़ों का मुझे बड़ा शौक था कि मेहंदी भी और चूड़ियाँ भी और नए कपड़े और तीन कपड़े। अब कुछ सालों से थोड़ा आई थिंक सादगी आ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आउटफिट होता है, वो भी हो सकता है पहले दो दिन पहना भी ना जाए क्योंकि घर में आराम कर रहे होते हैं, फिर वो तीसरे दिन जब कहीं या तो यू नो मेल जोल होता है तब पहना जाता है। सो इट्स बिकम सिंपलर आई थिंक। ऑल्सो वक्त के साथ साथ थोड़ा जनरली सब में सादगी आ गई है, जो पहले बहुत ज्यादा शू शाम होती थी वो अब नहीं होती। मगर अब ये कि ईद पर भी कोविड की वजह से लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए बिकॉज इट्स स्टिल देयर और हम सबको जो जितने भी SOPs हैं वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, मैं मिलना चाहिए मगर एक एहतियात के साथ। टला नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। ईद का मौका है, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर ईद की खुशी में रबिया से हमने गाना भी सुनना है। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं।
सो आई गेट वेरी बिजी बिफोर ईद और मेरे जो अमेरिकन काउंटर पार्ट हैं वो कहते हैं क्या हो रहा है, इतनी बुकिंग क्यों हो रही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टार इन स्टाइल सीजन 2 की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और आप हमारा शो देख रहे हैं पीटीवी होम पर और हमारे गेस्ट को भी एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा जी, तो सुबह से आपने क्या क्या खाया है ये बताइए आप लोग। मैं सुबह से तो जो कुछ भी खाया हो ये खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। प्लीज खाइए ना, यू मोस्ट वेलकम। मगर आपने अभी थोड़ा सा गाना भी गुनगुनाना है जी। देखिए ये ब्रेक से पहले ऑडियंस को हम प्रॉमिस कर चुके थे। तो हमें इसमें बताइए कि इस ईद पे क्या कलर ट्रेंड कर रहा है, क्या हेयर कट, हेयर लेंथ, क्या हमारी ऑडियंस को यू नो दे डोंट गेट टू मीट यू ऑफन, तो ये एडवाइस बहुत ज़्यादा वैल्यूड होगी। थैंक यू। ईद चूँकि इतना फेस्टिव होता है और न्यूयॉर्क में आप पूछ रहे हैं कि कंपैरिजन भी करें तो ऑफ कोर्स फॉर वुमेन एंड इवन फॉर मेन यू नो इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल, सो बालों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। सो आई गेट वेरी बिजी बिफोर ईद और मेरे जो अमेरिकन काउंटर पार्ट हैं वो कहते हैं क्या हो रहा है, इतनी बुकिंग्स क्यों हो रही है, देन आई हैव टू टेल देम इट्स अ ग्रेट हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे फॉर अस। तो ईद पे बहुत सारे मोस्टली स्टाइलिंग बहुत होती है, कलर वो पहले करवा लेती हैं लाइक ऑम्ब्रेज, बालियाज विच इज अ फ्रेंच वर्ड, और स्टाइलिंग बहुत होती है। अच्छा, स्टाइलिंग जी। स्टाइलिंग में लोग बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, वो एक रात पहले या ईद के दिन भी, आई टेल देम आई डोंट वर्क ऑन ईद, दैट्स द डे आई टेक ऑफ, तो एक रात पहले आके वो स्टाइलिंग करवाते हैं। पर क्योंकि ये मौका ऐसा होता है ना कि सब तैयारियां हो रही होती हैं। व्हाट अबाउट द हेयर लेंथ ड्यूरिंग समर, क्या हेयर लेंथ वुड यू सजेस्ट? जी, हेयर लेंथ तो अब ये एक बड़ा पर्सनल, मेरी रबिया से भी बात हो रही थी, रबिया इज वेरी ओपन, शी इज अ टिपिकल क्लाइंट हु हैज बीन टू ससून, यहाँ पे भी हैं, ये तो विलिंग है कि देखिए बाल लंबे बहुत खूबसूरत होते हैं खवातीन के लिए, लेकिन एक चीज मैंने समझाता हूं कि आप वो ब्रूम वाले बाल ना रखें, यू वांट टू हैव हेल्दी लॉन्ग शाइनी हेयर, क्यों आते हैं तो हेयर लेंथ के लिहाज से कि रबिया तो बहुत ओपन है कि जो जरा डैमेज्ड एंड्स हैं उनको कटवा भी सकती हैं एसिमेट्रिकल बाल, मगर ईस्टर्न जो औरतें खास तौर पे ईद वाल ईद के मौके पे भी वो तो लंबे ही बाल रखती हैं। तो बस ये हमें डिसाइड हो गया, आप मुझसे ज्यादा बातें आप नहीं कर सकती क्योंकि वो नेक्स्ट एपिसोड से मेरे बाल शॉर्ट होंगे। हां, अगर आप नेक्स्ट एपिसोड पे यहां पर होंगी तो कमिंग बैक टू द ईद, आपको पता है कि हमारी ये नोकझोंक चलती रहती है बिकॉज वी ऑल आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स लाइक फैमिली, ये सब कुछ चलता रहता है। तो अब फरमाइश ये है कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक मुझे मैसेज आया था कि रबिया चौधरी से आप एक गाने की फरमाइश करें, और उस एक मैसेज की वजह से आपने मेरी जान जो है उसको डेंजर में डाल दिया। उसको मैं ये साबित करना चाहता हूँ, ये एक्सक्यूज है, इनको भी आपकी आवाज बहुत खूबसूरत लगती है और आप शो पे आए और ये आपकी आवाज में गाना ना सुने, इट इज नॉट, इसीलिए आज मैंने ऐसा गाना चूज किया है कि आईना मुझसे कोई पूछेगा। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि मैं जो रिक्वेस्ट आई उनको ये बताना चाहता हूँ, जब वो आपका गाना सुनेंगी तो आईना रिक्वेस्ट नहीं करेंगी। वाओ, यू आर सो नाइस। बिफोर यू स्टार्ट आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि म्यूजिक इज यू नो यू गो इन अ ट्रांस, म्यूजिक इज वेरी थेरेप्यूटिक, आपने कहीं से सीखा है? मैं एक्चुअली सीखती रही थी थोड़ा अरसा, एंड यही होता है कि जब आप प्रयास करते रहते हैं तो आपकी आवाज़ आपको सरप्राइज़ कर देती है, आपको पता नहीं होता कि आपके गले में से निकल भी गया इतना कुछ, और ऑब्वियसली इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस आई प्रैक्टिस्ड, एंड बस वो आसिम चलें जी, लेट्स सी, ये शौक है। करो कोई बात करो
fabulous. Thank you so much. Wonderful. इसके साथ ही अब हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने इन प्यारे गेस्ट का जिन्होंने ईद हमारे साथ सेलिब्रेट की. थैंक यू सो मच हामिद कि आप हमारे शो पर आए. थैंक यू रबिया, ईद के मौके पर आपने हमें ईदी दी, हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा गाना और हामिद की जो बालों की टिप्स थी वो हमारे व्यूअर्स के लिए ईदी थी. यस एब्सोल्युटली, मेरे लिए भी. ऑफ कोर्स. और आपको ईद पे कुछ कहना चाहते हैं हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को? बस बहुत बहुत ईद मुबारक. बिल्कुल आराम से सादगी से ईद गुजारें, अपना बहुत ख्याल रखें. कोविड इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द. जितना भी रहता है उसमें बस ख्याल रखें अपने घर वालों का और अपना. जी हम लोग चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं. मेरा यही मैसेज है सब लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड से, पूरे पाकिस्तानी कौम से, कि इस चीज़ को मिलके एक फैमिली रियूनियन की तरह मिलाएं. कोविड का भी ख्याल रखें, प्रिकॉशंस, मगर अपने प्यारों के साथ हंसती बस्ती ईद मनाइए. बहुत शुक्रिया. व्हाट अ वंडरफुल थॉट. थैंक यू सो मच. इसके साथ ही हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ईद आपके साथ मना रहे हैं पीटीवी होम पर. मिलते हैं ब्रेक के बाद. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक यू. ईद मुबारक. ईद मुबारक. सजी है कहकशां सितारों का जहां. So I was like, that's what the media is now. Yes. You know, it's so strong. So वहाँ लगा कि हाँ, कुछ I've done something. हाँ हाँ, कुछ सही जा रही हूँ मैं किसी. ये लोग करवाने पड़ते हैं सच की. सच सिर्फ सूली पे ही अच्छा लगता है. या फिर ये अब स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है शायद. It does not exist in real life. दिल तेरे नैना विच वसदा, तेरे लई वजदा, गड़ियां ते आवा करके ढा ढा ढा. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. स्टार इन स्टाइल सीजन 2 की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. तो ईद की सबसे बड़ी ईदी, शी इज़ वेरी टैलेंटेड. बहुत कम काम किया है बट शी हैज़ मेड हर नेम ऑलरेडी. और उसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि शी इज़ सुपर स्टनिंग. बहुत ही खूबसूरत है. और आपको पता है ये एक्चुअली दुबई बेस्ड थी और इन्होंने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि इतनी हसीन है और इतनी टैलेंटेड है, फिल्म प्रोजेक्ट भी साइन किया. बल्कि यहाँ मैं कहूँगा कि मेरा एक फैशन शो हुआ था इन लंदन, एंड इट वाज एट द रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस इन लंदन. और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी. एंड व्हेन आई सॉ हर तो मुझे शी वाज अ फुल फ्लेज मॉडल. और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. इनकी 3 फिल्म्स ये साइन कर चुकी हैं और उन पे काम कर रही हैं. ऑफ कोर्स इनकी जितना काम किया है उनके क्लिप्स भी दिखाएंगे आपको. एंड आई थिंक शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और एक बहुत बड़ी सुपरस्टार इन द मेकिंग. जो आप देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी ईदी डबल ईदी हो जाएगी. चलें अब मेरे ख्याल से बहुत मिस्ट्री में रख लिया हमने अपनी ऑडियंस को, तो बुलाते हैं. हाँ चलें जी. सो लेट्स इनवाइट द सुपरस्टार, द वेरी टैलेंटेड किरण मालिक. कैसी है गुजरी ईद? So बहुत अच्छी गुजरी सो फार. बहुत अच्छी, रौनक वाली. बहुत सारा खाया. Okay. और कुछ पकाया भी. खाया लगता नहीं है, खाती हूँ. नहीं नहीं काफी खाती हूँ. really? शौक है. लाहौर से हूँ तो बहुत दिल करता है. और फिटनेस रिजीम इसकी, अगर इफ यू फॉलो हर इंस्टा स्टोरीज, तो ये एक्सरसाइज और वो सारा कुछ. तो ईद पे भी होता है? नहीं, ईद एक ऐसा ओकेजन है जिसपे आप डाइट को कहते हैं कि जरा काटा बाय बाय, साइड पे रख देते हैं, साइड पे फॉर फ्यू डेज. एंड या so I think it's all about family. or after this whole COVID situation, yes. I guess हमें ऐसे occasions चाहिए हैं जिसको हम celebrate करें. बिल्कुल. and you know family की importance का पता चलता है. beautiful outfit by Umar Saeed. yes, oh my god. of course. amazing. लोगों ने एक show किया था जिसमें HSY Karma इन लोगों का show था. और इट वॉज वहाँ पे लंदन में हमने किया था, रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में. तो हम लोग वो कर रहे थे, तो मैंने जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे मैंने कहा कि जी मॉडल्स हमें चाहिए. तो मैंने देखा कि बड़ी सिंपल सी, स्टनिंग सी, स्लिम एंड टॉल, यू नो, एक लड़की आ रही है. मैंने कहा शेरू को, मैंने कहा ये देखो ये एक सुपर मॉडल बनेगी. मैंने कहा कि जी अच्छा. मैंने कहा कि यू मस्ट डू आवर शो. दैट वाज आई थिंक योर फर्स्ट शो. माय फर्स्ट शो एक्चुअली. आई वाज ऑर्गेनाइजिंग दैट शो, सो हेल्पिंग देम. एंड देन दे वर लाइक,
why don't you do a ramp? It's like, ye aap mujhe keh rahe. And I'm like, yes. So you never modeled before that show? No, not at all. Not at all. And that's how my modeling career started. Is tarah shuru hua aur phir it's been. There was no looking back for you. Not at all, not at all. But everyone have given me a lot of support and learned a lot as well. You know, Tisha Zad from Lahore. And Umar Saeed, of course. Umar Saeed, of course. So, but this was back in London, right? Yes, that was at the time you were living. I was actually living in London for a long time. Oh, and then I Dubai shift. And that's why now I feel like Pakistan is a lot of fun. And then I started to get work. And then after that, you know, she's become a style icon. Oh, yes. Absolutely. Really? Of course. You know, जो जितने bloggers हैं, वो जी किरण मालिक के देख रहे pictures Instagram पे भी ये आज इसका क्या you know Kiran outfit Malik of the looks day are very, yes, very famous. So Dubai maybe you know a lot of effort. I don't put a lot of effort. It just happens to comes me. Naturally. Okay. Fashion का शौक है शायद और पढ़ने का शौक है उससे related. तो खुद ही चीज़ें हो जाती हैं और समटाइम्स आई ऑलवेज से इट इज़ विद इन यू. जब ज़्यादा एफर्ट डालते हैं ना तो इट्स वेरी ऑब्वियस. यस, यू हैव टू लुक स्पेशली अ गर्ल शुड लुक एफर्टलेस, मोर एलिगेंट एंड कंफर्टेबल इन व्हाट शी इज़ वेयरिंग, राइट? ऑलवेज वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर, यू नो, यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद योर स्किन एंड आई हैव ऑलवेज यूज्ड दैट रूल. एब्सोल्युटली. अच्छा, उसके बाद फैशन मॉडलिंग हो गई, शूट्स हो गए, और उसके बाद जो तुम्हारा ट्रांजिशन था इनटू द फिल्म्स, मुझे खुद भी नहीं पता. जो इसकी फिल्म थी क्रिटिकली एक्लेम्ड पिंकी मेम साहब, यू नो, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में गई और इतना उसमें एप्रिसिएशन हुई. एग्जैक्टली, वी वर चूजन फॉर बाफ्टास एज वेल एंड इट वाज जस्ट वेरी हम्बल एक्सपीरियंस. नेटफ्लिक्स पे इट वेंट ग्लोबली, नॉट रीजनल. सो मुझे अभी भी याद है, मैं एलए गई हुई थी और मैं ग्रोसरी शॉप में खड़ी हूँ तो दो तीन कोई इंडियन फैमिलीज देखी जा रही है. मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, क्या हो गया. सो देन यू नो दे वर क्यूरियस, सो देन दे केम अप एंड दे लाइक आप की नेटफ्लिक्स पे फिल्म हमने देखी है. सो आई वाज लाइक दैट्स व्हाट द मीडिया इज नाउ, यू नो, इट्स सो स्ट्रांग. सो वहां लगा कि हाँ कुछ सही जा रही हूँ मैं किसी. एब्सोल्युटली. लेकिन मॉडलिंग के बाद जो एक्टिंग में ट्रांजिशन हुआ, डिड यू फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट या यू थिंक इवन एक्टिंग केम नेचुरली? सी, आई ऑलवेज से दैट मॉडलिंग इज नॉट एन इजी जॉब. इट इज नॉट एन इजी जॉब. बहुत लगता है कि आप चार, यू नो, आपने कपड़े पहन के खड़े हो गए, मेकअप किया, तस्वीर खिंचवा ली. हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड स्पेशली रैम्प, यू नो, आपको जब इतने सारे लोग आप जब रैम्प पे चलते हो और आपको देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हो जाता है. सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द कैमरा व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग, बिकॉज यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द पीपल अराउंड. सो फॉर मी दैट वॉज अ प्लस पॉइंट. आई नेवर बीन स्केयर्ड ऑफ द कैमरा. सो शायद इसीलिए मुझे इतना फर्क नहीं लगा मॉडलिंग से एक्टिंग पे जाते हुए. अच्छा, यूजुअली होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले आपकी मॉडलिंग होते हैं, शूट्स होते हैं, देन यू डू टीवी एंड द फाइनल इज दैट बिग स्क्रीन. आपने तो जंप मारा किरण फ्रॉम मॉडलिंग टू द बिग स्क्रीन पे. एंड आई गेस उसमें मैं बहुत सारा जो क्रेडिट है वो शान को भी दूंगी, बिकॉज आई साइन माई फर्स्ट फिल्म विद हिम एंड यू नो ही जस्ट सॉ अ पोटेंशियल व्हिच आई नेवर थॉट दैट आई विल एक्ट एंड ही बहुत सीखा उनसे. उसके बीच में ही मैंने पिंकी मेम साहब ले ली एंड देन नाउ यू नो आई हैव डन अनदर फिल्म एंड देन देयर इज अनदर फिल्म इन द प्रोसेस. सो ड्रामा भी नहीं किया बट फिल्म में मजा आ रहा है. प्लान है ड्रामा? अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो जरूर. ओह अच्छा, सो यू आर इंटरेस्टेड इन टेलीविजन आल्सो? बट आई ऑलवेज हैव अ मोटो ऑफ डू लेस बट गुड क्वालिटी वर्क. गुड क्वालिटी. सो आएगी तो जरूर. अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तो आप हमारे साथ हैं, पीटीवी के व्यूअर्स के साथ ईद मना रही हैं. यूजली जब आप दुबई में होती हैं तो ईद पे आपकी क्या रूटीन होती है कि क्या करती हैं दिन में सारा दिन? पे आज सुबह मेरे घर पे सबक. लेट्स स्टार्ट विद चांद रात. ना चांद रात वुड बी, सी, मेरी फैमिली वहाँ नहीं है ज़्यादा, तो फिर दोस्तों को इकट्ठे कर लेना. मैं ईद का लंच अपने घर पे रखती हूँ. अच्छा. सुबह उठे, यू नो, आई हैव अ डॉटर इज वेल. सो बस घर पे रौनक, हाँ, खाना बनाया, उसके बाद सारे दोस्त आ गए, लंच किया और कहीं पे बाहर चले गए फिल्म देखने, जब कोविड से पहले सिनेमा चले गए, यू नो, और या बीच पे चले गए. बट ये है कि इट्स ऑल टू डू विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. अच्छा, ईद के दिन की कौन सी ऐसी वो पर्टिकुलर डिश या डिशेज हैं जो कि होना मस्ट है? सेमिया. हम आपको दिखाते हैं फिर तो. जी, लेट्स सी पिंकी मेम साहब का एक शॉर्ट क्लिप देखते हैं.
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम मेहर। थैंक यू। बैठो ना, मैं फ्रेशन अप हो लेती हूँ। अपने आपको स्क्रीन पे देखने में मजा आता है और यू वन ऑफ दोस के बड़ी स्क्रीन पे देखने का तो एक और मजा है। सो व्हेन आई वॉच माय सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज ये ऐसी स्टोरी थी जो हम सब एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, बट जरार आप लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट, अभी हमने पिंकी मेम साहब की बात की, तो आपकी जो नेक्स्ट फिल्म है जरार, जिसका हम सबको बहुत शिद्दत से इंतजार है, तो मेरे ख्याल में पहले उसका थोड़ा सा एक क्लिप देख लें। मैं करूंगी ये सच का सफर आप तक सच पहुंचाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग करवाने पड़ते हैं सच की, सच सिर्फ सूली पे ही अच्छा लगता है, या फिर ये अब स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है शायद। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। बचा तो इस बार इलेक्शन में आप हमारी कैंपेन चलाएं, बारी इस बार हमारी है। डोंट वरी, हम आपके साथ। याद रखना किरने, झूठ तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा और सच तुम्हें कभी मरने नहीं देगा। किरण, ये क्या की है तुमने? Tell us about Zarar. So Zarar again is on a lot of issues जो हम अभी पाकिस्तान में देख रहे हैं, political और उससे related है, law and order, journalism, terrorism. So जैसे आपको देखा, मैं journalist का एक किरदार निभा रही हूँ और उनकी क्या layers हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। How wonderful. अच्छा, इसमें songs वगैरह भी हैं? बिल्कुल हैं, दो राहत ने गाए हैं और I'm a Bake का एक गाना है, यासर जसवाल जो है उन्होंने background music दिया है। जो film का मजा होता है ना उसमें, जब तक इट्स अ प्रॉपर मसाला, हाँ, रोमांटिक, इट्स अ फिल्म, इट्स नॉट अ ड्रामा, एंड ऑल द एक्शंस व्हिच वी हैव डन जो इसमें हैं वो शान ने खुद किए हैं 99%, और जो थोड़े बहुत मेरी भी आगे पीछे के एक्शन है वो मेरे खुद। आई टॉक अबाउट द स्टंट्स एंड ऑल द स्टंट्स, ऑल द स्टंट्स। टेल मी समथिंग, बिफोर द शूट रिहर्सल्स हुई शान के साथ, बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एवर? मेरी दो तीन सिटिंग्स हुई उनके साथ, बट वो उन्होंने कहा कि जो अब बिकॉज कोई और एक्ट्रेस हुई नहीं थी ऑलरेडी उनके जहन में थी, फिर मैं मिली और उस फिर चेंज हो गया सब कुछ, तो वो सारा प्रोसेस बड़ी जल्दी जल्दी में हुआ। और नहीं बस मेरा ख्याल है आई साइन द फिल्म और उसके कोई महीने बाद वी वर ऑन द सेट, और दो तीन दफा स्क्रिप्ट रीडिंग हुई एंड दैट वाज इट। पिंकी मेम साहब टोटली ऑपोजिट था, छह महीने यू नो वी यूज्ड टू सिट एंड वी यूज्ड टू गो थ्रू द स्क्रिप्ट। शान बहुत वो उनको अच्छा लगता है कि सेट पे आके वो बहुत सारी चीजें तब्दील भी करते हैं, एक्सटेम्पोर एग्जैक्टली। So, उनका काम करने का अंदाज बहुत अच्छा। ओके, ईद का मौका है, हमारे इतने बड़े स्टार्स हमारे गेस्ट हैं, आपकी फरमाइश हम पूरे कर रहे हैं, आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। और आसिम का कुर्ता जो है वो तो बस सारे नंबर ले आसिम जैसे कुर्ता और नहीं वो लाल जूते और ओ आसिम आई डिड नोटिस ब्रिलियंट। पाकिस्तान में खाने पीने पे ज्यादा जोर हम देते हैं कि इफ्तारी में पकौड़े जरूर होने चाहिए, तो दिल तेरे नैना विच बसदा तेरे लिए वजदा गड्डियां ते आवा करके ढा 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 तेनु नाल मैं अपने ले जावा करके परजे ते सैना खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। किरण, बहुत बहुत ईद मुबारक।
आपको भी और आपको भी ऑफ कोर्स। अच्छा केरन, हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ईद का मौका है, ईद की बातें कर रहे थे, इनकी भी फिल्म्स की भी बातें की हैं। तो जब फिल्म्स का जिक्र होता है तो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, ही इज़ द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान एंड वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। माइन टू। अच्छा। यस ऑफ कोर्स, आई एम अ ह्यूज फैन। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम फिल्म्स, उसके बाद टीवी, फिल्म, कोई मीडिया छोड़ा नहीं, एंड उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसका तो मैं पर्सनल आई विटनेस हूं। यहां पे आई विल ऐड कि उनकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है वो अनमैच्ड है इन माय ओपिनियन। और मैं जब भी हमारे शो पे वो आते हैं और मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि आज मैं उनको इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो यू कांट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आई गेट। यस। और उसके बाद ईद का मौका है, इसके लिए हमें इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी उनको आप बुलाएं। और मैं एक चीज़ शेयर करूँगा किरण, कि फ्यू ईयर्स अगो हम लोगों ने शो किया था अमेरिका में, एंड ही वॉज विद अस देयर, और वहाँ पे स्टैम्पीड हो गई थी, देयर वर ओवर 4000 पीपल, और सिक्योरिटी वालों को बुला के, और ये जी रॉक स्टार की तरह बीच में चार आगे चार पीछे सिक्योरिटीज के साथ ये हम लोग इनको बचाते हुए लेकर गए थे। मैं वो है ही ऐसी पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स ये तो होना था, व्हाट वी एक्सपेक्टेड। और हमारे पीटीवी के ब्लू आर्ट बॉय भी हैं, और अभी उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी किए पाकिस्तान टेलीविजन पे, जिसकी हमें बहुत ही फैबुलस फीडबैक मिली है। सो लेट्स इनवाइट द सुपरस्टार, द वेरी टैलेंटेड, द वन एंड ओनली, द वेरी हैंडसम एहसान खान। Looking dashing as ever. Thank you so much. Thank you. क्या करते हो ऐसन? सबसे पहले इतने brilliant introduction का thank you so much. I'm humbled and of course you guys are friend, तो आप लोग तो तारीफ करेंगे। नहीं नहीं, आप तारीफ के काबिल हैं। Please इतना modest ना हुआ करें। Thank you so much. नहीं नहीं, ये modest बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी acting कर रहे हैं। मुझे पता है ऐसा। इसने मुझे पूरी list दी थी कि ये adjectives बोलने हैं। तो कभी मैंने बोले। I didn't even talk to him before coming. I'm just दो रह गए थे। मुझे एक चीज जब ये पता चली, obviously शर्मीन से मुलाकात हो जाती, but जब किरण का मुझे पता चला कि she's on the show, I was very happy about it. Such a gorgeous girl is sitting next to me. Likewise. Socially, आप लोगों की इससे पहले मुलाकात हो चुकी है या this is the first time you guys are meeting each other? This is the first time we're meeting. I think we're Facebook friends and all. For a while. अच्छा, coming back to ईद का मजा तो दुबारा हो गया? Obviously, बिल्कुल। मेरा तो हो गया, किरण का मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, किरण ने मुझे हल्की सी आंख मारी। अच्छा, ऐसा ये बताएं, ईद का मौका कैसी गुजर रही है ईद, ये बताइए। आसिम, आप जानते हैं इतनी बड़ी ट्रांसमिशन की, पहले उसके बारे में बताइए। एक तो पीटीवी के तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने इतनी देर साथ हमारा दिया, पीटीवी के हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ाई और हर साल बढ़ाते हैं, तो मैं उनका तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्लस ये कि सबसे अच्छी बात है कि पूरे रमज़ान में एक बहुत ही डिसेंट, एक डिग्निफाइड, अच्छी ट्रांसमिशन करना, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। फिर ईद पे लोगों के लिए इतनी एंटरटेनमेंट लेके आना कि ईद वाले दिन लोग घरों में बिजी हैं, बट यू नो एवरीवन इज हियर फॉर दिस थिंग, तो आई विल से थैंक यू टू द पीटीवी टीम एज वेल एंड देन द ऑडियंस आल्सो। सो ईद का वैसे जो मजा है, टू बी ऑनेस्ट, नेचुरली हमारा एक लिंक तो लोगों से जो रब्ता है वो इस कैमरे के जरिए होता है, बड़ा जबरदस्त, और वो आपको लगता है आपकी फैमिली है। यस, यानी आपका दिल नहीं करता इनको छोड़ने का, बट जो एक अपनी फैमिली भी होती है तो उसके साथ जो ईद गुजरती है तो वो बड़ी खूबसूरत ईद होती है। तो सुबह नमाज पढ़ने गए आप, ईद की उसके बाद नाश्ता वाश्ता फैमिली के साथ? बिल्कुल, ईद का एक रिचुअल जो बचपन से तो हमारा यही है कि लाजमी है, जो वो एक तैयारी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, सबसे ज्यादा तैयारी की मुझे जो फिक्र होती है वो अपनी तो होती है, साथ अपने बेटों को, हमारी कोशिश होती है कि हम एक जैसे कपड़े पहने। ओके, मुझे बहुत ट्विनिंग करते हैं, सेम कुर्ता सेम जो, यू नो, एंड देन आई आल्सो आई एम अ लिटिल, यू नो, इस मामले में थोड़ा सा, अगर माय वाइफ और एनीबॉडी इन द फैमिली, खवातीन अगर तैयार ना हुई हो किरण, तो मुझे इतना गुस्सा लगता है कि व्हाई आरंट दे रेडी फॉर इट। वो कहती सुबह, अब्बा हैड दिस इशू, हमारे घर में शुरू से कहा था कि जब हम नमाज पढ़ के आए तो घर की औरतें तैयार हों नाश्ते की टेबल पे। एग्जैक्टली, और नाश्ता सब साथ में होती है। सो आई गेस वो ये ईद की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि आप सब सुबह जो उठ के, वरना सबके काम काज, यू नो, जैसे हमारे लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट, सो एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, सो वी कैन सी दैट ना, लुक एट हर, तैयारी देखें ना ईद की, जबरदस्त
जबरदस्त आप भी काफी अच्छे लग रहे हैं। ईद कंप्लीट नहीं होती ना अगर आप और आसिम का कुर्ता जो है वो तो बस सारे नंबर ले आसिम जैसा कुर्ता नहीं है लाल जूते और ओ आसिम आई डिडंट नोटिस आप ये देखें आसिम ने हम सबको कितने म्यूटेड कलर्स में रखा है और खुद लाल जूते आई डिडंट नो दैट। असल में हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है ये जब तुम लोगों की तारीफें कर रहा था तो मैंने आंखों में कहा मैंने कहा हेलो मिस्टर मेरे से तुम एडजेक्टिव करवा रहे हो और अभी तक मेरी बारी नहीं आ रही तो ऐसा क्यों पकड़ा इसने फैबुलस एहसन खान वाह वाह। अच्छा तो एहसन ईद पे फिर जब सुबह बेटों के साथ तैयार होते हैं नमाज पे जाते हैं उसके बाद पूरी फैमिली बैठ के साथ नाश्ता करती है वी डू दैट यूजुअली क्योंकि सुन्नत भी है आप कुछ खाते हैं मीठे में और इस ईद पे और वो उसी तरह जो एक पूरा आई थिंक एक ट्रेडिशन है जो हम बचपन से देखते आए हैं हमारे अब्बा ने बचपन से देखा फिर अपने बच्चों को सिखाना इसमें एक अलग मजा आई थिंक और ये अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर अपनी जो अपनी आप रूट्स जो होती हैं कभी नहीं भूलना नहीं बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अच्छा किरण आप पहले पाकिस्तान में फिर लंदन फिर आप दुबई तो इन तीनों कंट्रीज की ईद में क्या फर्क आपको महसूस हुआ? लंदन में छुट्टी नहीं मिलती ईद पे। अच्छा नो सो इट्स अ नॉर्मल डे पर मैंने हमेशा छुट्टी ली ओके कभी सिक लीव मार दी और कभी असल में कह दिया। दुबई क्योंकि मुस्लिम कंट्री है सो वहाँ ईद का बहुत मजा आता है स्पेशली रमजान का बहुत मजा आता है क्योंकि वो बहुत एफर्ट डालते हैं रमजान में और बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन माई सेल्फ सो 3 बजे दफ्तर बंद हो जाएगा सो इस चीज की कंसिडरेशन में वो बहुत ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान में खाने पीने पे ज्यादा जोर हम देते हैं कि अफ्तारी में पकौड़े जरूर होने चाहिए तो उसका एक अपना मजा है। देखो हम लोगों की जो एंटरटेनमेंट है ना वो खाने में लाइक करती है तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ लगता ये तो बिल्कुल ही खाने नहीं सीरियसली तो ब्लेस्ड वंस जिसको लगता नहीं होता ना ये बाकी देख के नजर नहीं आता कोविड में क्योंकि और एंटरटेनमेंट जो थोड़ी बहुत थी वो भी बंद हो गई लाइक नो सिनेमास नथिंग तो सिर्फ खाया है लोगों ने सो इट्स लाइक मोर रमजान में आई फील कि आपकी टेबल पे फ्राइड आइटम्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता और अगर हो तो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाँ लेकिन एहसन आपकी जो आपकी मोहब्बत है अपने ऑडियंस के लिए वो हमें नजर आ रही है पूरा महीना रमजान की ट्रांसमिशन के बाद ईद भी आप हमारे साथ गुजारने आ गए थैंक यू सो मच। थैंक यू एनी टाइम पीटीवी के साथ एज आसिम सेड एक एसोसिएशन है हमारी बड़ी जबरदस्त तो ये जरूरी है और फिर ये कि ये तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे लकी मैस्कॉट है बिकॉज आज हमारा सीजन 2 का प्रीमियर एपिसोड है ये भी एक बहुत बड़ी बात है और मेरे हमेशा जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एहसन खान ना हो हालांकि ये मुझे डिच कर चुका है एक दफा रियली ये आहिस्ता आराम आराम से ताने लगा रहे हैं कोई कहानी लगता है मुझे जरा सुना दे हमें आप इतनी मासूम क्यों बन रही हैं मुझे पता है इसी शो की बात इसी शो हां फर्स्ट सीजन में ये लास्ट सीजन का शी इज वेरी इनोसेंट एंड आसिम डजंट फॉरगिव एंड फॉरगेट बाय द वे I'm here, so obviously it's because of us. We'll take a short break. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे साथ ईद मनाने के लिए आए हैं एहसन खान एंड किरण मालिक We'll take a short break. बहुत बहुत ईद मुबारक सजी है सितारों का जहां जरार को थोड़ा वक्त हो गया वी स्टार्टेड 4 years back. कहीं ये मौला जट तो नहीं बन जाएगी ये देखिए बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वेलकम बैक टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। अच्छा भाई इतना अच्छा लग रहा है सच अ ब्यूटीफुल फ्रेम देखें जब आपके गेस्ट इतने खूबसूरत और हसीन हो तो बात करने का मजा ही और होता है। आई थिंक हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को एक बहुत जबरदस्त ऑन स्क्रीन कपल भी नजर आ गया है। फिल्म आई हैव हर्ड हर सॉन्ग इज वंडरफुल इन द फिल्म। वही अभी हमने उसका क्लिप दिखाया था उसका प्रोमो क्या गजब कैसे काम किया वाओ। हां एंड एज़ फार एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क एहसन आपका जो रीसेंट प्रोजेक्ट है ऑन जो आया कयामत टेल अस अ लिटिल समथिंग अबाउट द कैरेक्टर यू एंड अप टू कैरेक्टर इट्स लाइक अ रूड वेयर्ड काइंड ऑफ गाय अ लिटिल
बट इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया. मैं कहूँ कि भाई आपकी जो फैन फॉलोइंग है ऐसा कि जो करेक्टर करते हैं, इससे पहले एक और करेक्टर किया था, दो सीरियल्स आगे पीछे इसके चले, बंधे एक डोर से, वो मैं फॉलो करा था, मगर इतने ट्रेंड कर रहे थे कि एक दो दिन में जो अलिफ ने कैरेक्टर किया था वो तो भी मस्त है. बहुत अमेजिंग, बहुत. पर जो ये कयामत में की है, यू नो, नेगेटिव वाला, क्या कयामत इसका. एक तो ये पहले ये बताएं कि फीडबैक कैसा आया, मतलब ऑडियंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और नेगेटिव कैरेक्टर्स को. अश्विनी, इतनी हैरत हुई बिकॉज इट्स अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर. आई मीन, मैं पर्सनली ऐसे किसी इंसान को अगर जान पाऊंगा तो मैं उसको कभी, मैं तो कह सो मारू पड़े, इतना बुरा है. बट वो कैरेक्टर में जो मैंने फनी एलिमेंट्स डाले हैं, जैसे वो एक लाइन है कि मीटर घूम जाएगा, या उसमें शलवार का यूं उठाना और थोड़ा देसी पर मुझे, तो वो अभी मैं जहाँ भी गया पिछले महीनों में, इन दिनों जब ये चल रहा है, तो एवरीवन स्टार्टेड डूइंग दिस आफ्टर यू नो मीटिंग मी कि सर आपने जो ये किया और आपका बोला. तो पीटीवी के टाइम में आसिम आप भी एग्री करेंगे, शमीन ऑब्वियसली, जो पुराने पेजेस में हर कैरेक्टर पीटीवी का हिट होता था, कोई उनकी लाइन, कोई डायलॉग, कोई उनका मैनरिज्म. अभी बहुत अरसे से बहुत कम कैरेक्टर होते हैं जो कैरेक्टर हिट होते हैं, एक्टर्स एज अ स्टार हिट हो जाते हैं. बिल्कुल. सो मुझे ये हमेशा से रहा कि आपने कैरेक्टर को करते हुए कुछ ऐसा उसमें डाल दें जो लोगों को याद रह जाए, कनेक्ट करे. अच्छा, इसके टैलेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ इतना टैलेंट है और किरण आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतना नाम बनाया और अब आपकी फिल्म्स जो आ रही हैं, तो एक एक्साइटमेंट का लेवल भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि आपने इतना अच्छा काम किया, स्क्रीन पे नहीं आ रहा. हाँ, जरार हाँ. को थोड़ा वक्त हो गया. वी स्टार्टेड 4 years बैक. कहीं ये मौला जाट तो नहीं बन जाएगी ये. देखिए, होपफुली दिस ईयर इंशाल्लाह. मैंने मनी बैक गारंटी की है. अच्छा, इट्स अ कॉमेडी फिल्म. यस, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. हां, ओके. वो फैसल कुरैशी ने बनाई है. बस कोविड. हां, सो कोविड की वजह से सिनेमास अभी वो है. अ लॉट इन द पाइपलाइन. अ लॉट इन द पाइपलाइन. हां, किरण, यू वर रिसेंटली इन लाहौर. यस. तो बताइए कि किस सिलसिले में आप गई थी वहां. सो दे वर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे. यस. सो बिकॉज मैं पाकिस्तान से काफ़ी अर्से से कनेक्टेड तो हूँ, बट आई डोंट लिव हियर एनी मोर. एंड यू नो, आई ट्राई टू प्रमोट पाकिस्तान इन एनी वे एज पॉसिबल. सो दे रिगार्डेड मी विद द एम्बेसडर एट लार्ज. अच्छा, आइकॉन अवार्ड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. बिकॉज़ यू नो, इट वाज गिवन बाय द गवर्नर. वेरी वेल डिजर्व्ड. थैंक यू सो मच किरण. यू नो, आप ईद के दिन हमारे साथ आपने यहाँ पर आई, सेलिब्रेट किया और आपने टाइम निकाला. व्हाट आर योर थॉट्स? का बहुत थैंक यू फॉर पीटीवी टू इनवाइट मी एज वेल एंड हैविंग मी विद विद एसएन. बहुत मजा आया गपशप का. बड़ा अच्छे से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी. बिल्कुल. तो मुलाकात हो गई और ऐसे मौकों पे मुलाकात हो तो ज्यादा अच्छा लगता है. बिकॉज यू नो, कॉलीग्स अपनी जगह होते हैं, एक फ्रेंडशिप होती है, देन फ्रेंड्स लाइक फैमिली. वो एक फैमिली का भी. लेकिन इससे पहले कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और बाकी की ईद गुजारें, हम अपनी एक छोटी सी आई गेस पार्टी ना कर लें टू सी यू ऑफ. ऑफ कोर्स. और एहसन खान का भी लेटेस्ट एक सॉन्ग इन्होंने परफॉर्म किया था और वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एज अ गुड बाय टू किरण. बिल्कुल किरण, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, एनी टाइम, एनी टाइम. ओ तेरे नाल मैं नची जावांगा बनके तेरा फैन. ओ तेरे नाल मैं जिंद गुजारांगा बनके तेरा मन. दिल तेरे नैना विच वसदा तेरे लई वजदा. गड्डियां ते आवा करके ढां ढां ढां. तेनु नाल मैं अपने ले जावा करके परजे ते सैना. ओ तेरा खाना आप बनावांगा बनके तेरा मन. तेरे थोड़े से दिन की मोहब्बत निभा दे. मुझे अपने व्हाट्सएप का दीदार तक करा दे. ओ तेरे पीछे नसी जावा.
दिल करदा है बल्लो पावा पता नू बल्लो हो तेरी कॉल बैक के बदल जांदे ने सारे मेरे प्लान हो तेरू नाल मैं पढ़े रखांगा बना के सब दी पैन मेरा लहंगा आएगा महंगा तेरे पास है बस ठेंगा खर्चा जितना मेरा है ओ हो जाएगा भेंगा बिल सारा तेरे तैयो लगदा मैनू कुछ नहीं बचदा कर दे तू फर्श नानू बैन 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 ओ तेरी हॉट वॉक ते कर दे कोई भी ब्लैंक चेक सैन ओ तेनू प्राइवेट जेट ते ले जावा वा खावा डिज्नीलैंड पहना ना पड़ेगा बाबे का तमीज तुझको आ जाएगी सोने सोने मुंडो की तमीज हो तेरी टॉक शॉक नू वेख के लगदा थोड़ी जइए डरू हो पहले सिख ले गल किव करनी है विद अ जेंटलमैन दिल तेरे नैना विच वसदा तेरे लई वजदा करके तेन नाल मैं अपने ले जावा करके परचे ते सैना हो तेरा खाना आप बनावांगा बन के तेरा पैन जी आपकी तैयारी यू लुकिंग ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच खुद ही तैयार हुई है किसी सैलून पे गई नहीं तो सैलून वाले तो आपको पता ही है कैसे क्या ही बना देते हैं अल्लाह ने वैसे ही हमें अच्छी शक्ल दी है थैंक यू अल्लाह पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन खुशी का है ये पल सजी है सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां बहुत बहुत ईद मुबारक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ एहसन खान ईद मना रहे हैं और अब एहसन हमारे नए गेस्ट जो हैं मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि हम उनको भी इनवाइट करें आसिम आपका शो इतना मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना मज़े का शो होता है हमेशा और आप हमेशा जो हमारे हार्ड कोर आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो आप सब बेहतरीन लोगों को जमा करके लाते हैं बड़ी ज़बरदस्त आसिम हैज एन आई है ना नहीं असल में बात ये होती है कि जो आपको पसंद होते हैं जो आपके फेवरेट स्टार्स होते हैं उनको जब आप अपने शो पर बुलाते हैं तो शो का मजा ही कुछ और बिल्कुल नो डाउट नो डाउट तो अब कौन है फेवरेट भाई आपके मैं तो बेचैन बैठा हूं आज हमने एक पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर माया नाज गुलकारा को बुलाया है और वो आके हमें गाने भी सुनाएंगी उनसे हम बातें भी करेंगी ये 80 की दहाई की बहुत मशहूर अदाकारा भी थी और मेन गुलकारा भी हैं वाह और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं जिनके साथ आप बात करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा नाइस और वो ईद मनाने के लिए हमारे साथ स्पेशली दूसरे शहर से तशरीफ लाई हैं सो लेट्स इन्वाइट द वेरी टैलेंटेड बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक नाज़ो जी नए बच्चों का पता नहीं है नाज़ो जी दर्पण जी से इनकी आंखें नीली नीली लेंस है
नहीं नहीं अपने 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 इतनी आगे उंगली उंगली मार के वैसे आजकल पता भी नहीं चलता लेंस और ओरिजिनल का नाजो जी आपकी तैयारी यू लुकिंग ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच खुद ही तैयार हुई है किसी सैलून पे गई नहीं तो सैलून वाले तो आपको पता ही है कैसे क्या ही बना देते हैं अल्लाह ने वैसे ही हमें अच्छी शक्ल दी है थैंक यू सही बात है अच्छा नाजो जी ये बताइए कि ईद के मौके पर आपका कैसे ईद मनाती है अपने घर पे फैमिली के साथ किस तरह क्या रूटीन होती है दरअसल हमारी तो शोज बहुत आपको पता ही है चांद रात के इतने शोज हुआ करते थे हुआ करते हैं अभी भी होते हैं अभी तो खैर मैं खुद ही ज़रा अवॉइड करती हूँ क्योंकि रोज़े रमज़ान मुबारक भी ज़ाहिर है रोज़े और फिर तकाफ पे मैं बैठती हूँ तो फिर ज़रा फिर सोचती हूँ कि नहीं चले अभी कोई बात नहीं ना तो फिर होता नहीं लेकिन ईद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ के शीर खुरमा मैं रात से ही बनाना शुरू कर देती हूँ जी जी पूरी रात पकता है जी पूरी रात पकता है तो बस घर में म्यूजिक वगैरह खुद ही हम लोग मेहमान आ जाते हैं और बहुत अच्छा नाजो जी आपके मुकाबले की कोई सिंगर नहीं आई आज तक आपने आने नहीं दिया खुद से या वैसे ही नहीं आई आप देख ही रही है जो स्टूडियो बन रहे हैं ये स्टूडियो वो स्टूडियो ये सीजन वो सीजन अब हम क्या कह सकते हैं देखिए ना कुछ नहीं कह सकते खामोशी है बेहतर है नाजो जी जो आपने भी गाना गाया था मैंने भी बस ऐसे हल्का फुल्का सा कोनी कोनी सारे गा रहे थे नो प्रॉब्लम अच्छी बात है ले लोगों को चांस मिलना चाहिए आपने एंजॉय नहीं किया इनका गाना बैक स्टेज आपको आवाज आ रही थी हाँ आ रही थी बस और बच्चा बहुत अच्छा है ड्रामा बहुत अच्छा करता है असल की शक्ल इतनी मासूम है ना तो वो कैरेक्टर जो है सीखिए नेगेटिव था हाँ वो गुंडा सा था ना इसलिए अच्छा लग रहा था अच्छा किया था अच्छा नाइस नाइस थैंक यू बहुत शुक्रिया नाजो जी ये बताइए कि जो आजकल की सिंगर्स हैं उनमें कोई आपको पसंद है या आप समझती हैं कि कोई टैलेंट है नई नई सिंगर्स में आपको लगता है आपके जैसा टैलेंट कोई मैच कर सकता है स्माइल ही दे सकती हूँ अच्छा जी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं नाजो जी ईद का मौका है कोई थोड़ा सा आप गुनगुना दें हमारे लिए बेस्ट गला खराब है हाँ पर ईद का मौका है तो चलें हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा यार बड़े सिंगर का गला भी खराब होता है जब आप असल में हालांकि बहुत एहतियात करती हूँ इमली नहीं खाती है हाँ अच्छा इमली नहीं ये पर्वतों की शाहजादे पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन चला भैया ये वादियाँ मेरे सजन चला भिया थैंक यू सो मच बहुत मजा आया गला खराब है चलिए जिसके साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे एहसन का हमारे साथ ईद मनाई इन्होंने एहसन बहुत शुक्रिया ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं अभी रमजान ट्रांसमिशन में भी माशाल्लाह हमने दिन रात आपको देखा जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक और बस ईद पे हम यही पैगाम है सब लोगों के लिए कि दूसरों का ख्याल रखें आप मैं एक जगह पढ़ा था कि इमाम अली की सेइंग है कि हर जिंदा चीज
का जब आप एहसास करते हैं तो उसका एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है आपको, चाहे वो एक जानवर एक कीड़ा ही क्यों ना हो। तो हर एक का ख्याल रखने की कोशिश कीजिए, बस यही पैगाम। अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं। चलिए जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप देख रहे हैं स्टार एंड स्टाइल सीजन 2 का प्रीमियर एपिसोड ईद के मौके पर। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत ईद मुबारक। बहुत देखने गई थी, सिनेमा बंद थे, वहाँ कोई और पार्टी हुई। तो अब जब मैं देखूंगी नए स्टार्स को, then I'll be very very happy. Buddy, please don't mind, buddy. एक तो ये बात है सबसे बड़ी है कि एक जैसे उम्र हो के आप एक दूसरे को बाजी बाजी करें, दिस इज नॉट फेयर। एक जैसी उम्र, ऐसी उम्र अग बल दे जावे तेनु समझ ना आवे। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। आज उसका प्रीमियर एपिसोड है। अच्छा जी, तो नाजो जी अब आप आई हैं, आपकी इजाज़त हो तो हम अपने नए अगले गेस्ट को भी बुला लें। हाँ, मुझे लगता है जो हमारी आने वाली गेस्ट हैं वो आप बड़ा खुश होंगी उन्हें देखकर। ओह रियली? हाँ जी। अच्छा जी, मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि बहुत ही पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत खूबसूरत, वेरी टैलेंटेड। सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड शानो जी। सजी है कहकशां सितारों का जहां। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कभी बुलाया था तो मुझे बता देती। मैं ना आती। ना आती मतलब कि खैर, मैंने तो सुना था कि आप दोनों की बड़ी दोस्ती है। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र। Why this boy is laughing? मैं खुश हूँ बहुत कि नाजो और शानो आज हमारे शो पर आई हैं। दो आपको पता नहीं है ये आप दोनों के कितने बड़े फैन हैं। हाँ, मैंने इनके बहुत सारे गानों पे ना एक्टिंग की है। और एक दफ़ा मैंने कह दिया था कि मैं नहीं कर गाऊंगी इनके लिए। अच्छा, फिर क्यों? फिर भी इन्होंने मोहब्बत में आके गा दिया। मजबूरी थी, क्या करती। मैंने तो सुना था कि आप बड़ी खुश होती हैं जब आपके गाए हुए संगीत पर ये गानों पर ये पिक्चराइज कराती। हाँ, सही नहीं ना कर रही होती, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा होता है। आपको मसला लगता है इनकी परफॉर्मेंस? एक तो ये बात है सबसे बड़ी है कि एक जैसी उम्र हो के आप एक दूसरे को बाजी बाजी करें, दिस इज नॉट फेयर। एक जैसी उम्र, ऐसी उम्र। जी शानू जी, तो ईद का मौका है, ईद पे आप ईद कैसे मनाती हैं? आपने तो ईद याद दिला दी। हमें याद पड़ता है कि जब हम इससे भी छोटे हुआ करते थे तो हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, और देखिए ऐसे आंचल सर पे रखते थे जी। और अपने बड़ों को आदाब। अब और क्या कर सकती है। तो आप ईद पे आदाब करने जाती हैं नाजो जी को? ऑन एवरी ईद। अच्छा, आदमी के शायद मैं कोई ईद वगैरह ईदी वगैरह दूंगी। सबसे पहले यही दरवाजे पे होती है ईदी के शौक में। हमेशा देख कर ही आना होता था मुझे। एक ये देती तो थी नहीं कभी ईदी। 80% साड़ियाँ जो है ना वो मेरी हैं इसके पास। अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं लोग इतनी प्यारी साड़ियाँ। तो अगर ये साड़ियाँ खुद पहन के आ जाती तो फिर कौन नोटिस करता हो? तो इसलिए आप अपनी साड़ियाँ इन्हें गिफ्ट कर देती थी। गिफ्ट नज़र जो लग जाती थी मुझे, मैं बाहर छोड़ जाता था मुझे फौर। अच्छा, जैसे मैंने पहन ली इसलिए देखना, वही मैंने जा पढ़ना। क्या आप बहुत एडमायर करती हैं इन्हें, जो हर दफ़ा आपकी नज़र लग जाती थी? ऑफ कोर्स, बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत एडमायर करती हूँ। आई लव हर। ईद पे आप लोग जो है, आपकी इतनी पिक्चर्स रिलीज होती थी जिनमें आप हीरोइन थी और बैकग्राउंड म्यूजिक आपका होता था, क्रेडिट आप क्यों ले जाती थी सारा?
मुझे दे देते थे लोग, हालांकि इनका बड़ा काम होता था उसमें। अच्छा, तो फिर आप उन लोगों को बताती थी कि भाई इक्वल क्रेडिट नाजो जी को भी जाता है? जी मैं बताती थी, मगर माइक नहीं लगा हुआ होता था ना, तो उस वक्त किसी को सुनाई नहीं देता चलता था। जिनको पता चलना होता था उनको चल जाता था, शोज तो सारे मैं ही लेती थी ना। लिख लिख के बताती थी कि मैंने किया है, मैंने किया है। एनीवे मेकअप से हां बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। क्या घर से तैयार होकर आई हैं, सैलून गई थी? नहीं, ये बस हल्का फुल्का मैंने घर में करने की कोशिश की, मगर जब डिप्लेक्स वालों ने ऐसे हाथ लगाया मुझे तो मैं ये हो गई। हाउ वंडरफुल जी। सीजन 2 का जो प्रीमियर हमारे साथ ऑफिशियल पार्टनर हैं स्टाइलिंग और मेकअप के, वो डेपिलेक्स वाले हैं। एब्सोल्युटली। और जहां आपने मेकअप की बात करी, मैं हमेशा से उनके पोर्टफोलियो की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड कि इस पूरे सीज़न मुझे तो डेप्लेक्स से तैयार होना है और मैं उनकी टीम से तैयार। और जो है ना मुसरत जी, बड़ी प्यारी है माँ से। और मैंने तो सोच लिया, पक्का फैसला कर लिया कि अगले 15-20-25 साल बाद जब मैं ऐसी हो जाऊँगी इस एज में ना, तो मैं मठा मठा दुपट्टा और चिट्टे बाल इस तरह रखूँगा। बड़ी प्यारी। शानू जी, आजकल की भी जो फिल्म आपको पता है ईद पर लगती हैं, रिलीज होती हैं, जो नए स्टार्स हैं उनमें कोई आपको, आप समझती हैं कि कोई पोटेंशियल है? फिल्म देखने गई थी। अच्छा। सिनेमा बंद थे, वहाँ कोई और पार्टी हुई। तो अब जब मैं देखूंगी नए स्टार्स को, then I'll be very very happy. हाँ, वंडरफुल। लेकिन आप अपने आने वाले जो न्यू कमर्स हैं हमारी कंट्री में, उनको सपोर्ट करती हैं, उनको अप्रिशिएट करती हैं? नए टैलेंट को सपोर्ट भी करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। सपोर्ट तो बाजी बहुत करती हैं लोगों को। सबसे बड़ी बात तो मुझे होती है किसी को ऐसे सरेआम बाजी कह देना। तो बाजी फिल्म भी तो बनी थी ना अभी? नहीं, लेकिन अभी आपने मुसरत, आप तो भी बाजी का था। मैं प्यार से उनको कह देती हूँ, मेरे उनसे बहुत प्यार है। अच्छा, कह सकती हूँ, उन्होंने इजाज़त दी है। तो आपको नहीं लगता इनको आपसे प्यार है? जी नहीं, जेलसी है। जेलसी? एक्चुअली इन्होंने मेरे प्यार को पहचाना ही नहीं। ऐसा इनको क्यों लगता है कि आप इनसे जेलस हैं? कि आप इनसे पूछें, आप क्यों जेलस हैं इनसे? क्योंकि मुझे नज़र लग जाती थी जब मुझे देखती थी, मैं बीमार पड़ जाती थी। तो ज़ाहिर मुझे पता है, मैं आप लोगों को नहीं पता ना मुझे सारा। लेकिन आप जो इतना खूबसूरत आज तैयार होकर आई हैं, बालों में इतना ब्यूटीफुल रोज़ लगा कर आई हैं, तो आज आपको नज़र से डर तो नहीं लग रहा कि कहीं? नहीं, मैं बहुत सारे दरूद और बहुत सारी नियाज़ें देकर आई हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं करके मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऊपर से ये देख लिया तो अल्लाह ही मान लें कि अम्मी ने देख लिया होगा, अम्मी वजीफा कर रही होंगी मुझे देख के। ये कितना अच्छा लग रहा है कि जी नाजो जी एंड शानो जी हमारे सेट पर आई हैं और ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। तो ईद के त्यौहार पे यूजली आपकी क्या रूटीन होती है? आप अपने घर वालों के साथ मनाती हैं ईद के बाद, कोई नाश्ता क्या आपकी होती है शानो जी? भाई चांद रात इम्पोर्टेंट होती थी ना, चांद रात को मेहंदी चूड़ियाँ चुमके सब कुछ पहन पहन के सब की तैयारी करके, और जब सुबह होती थी तो मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। पर अब सोचा है कि आइंदा ऐसी ईदों पर नहीं करूँगी, यही करूँगी जो आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपकी क्या रूटीन होती है नाजो जी? मैंने बताया ना, अभी रमज़ान मुबारक के बाद ज़ाहिर है शीर खुरमा बनता है। अच्छा। फिर मामा उठती हैं। अच्छा। फिर मामा कपड़े पहनाती हैं, मतलब हमें कहती हैं कि कपड़े पहने ना, तो फिर बच्चे घर में हैं जो भी रात के जोड़े, बल्कि मुझे याद आ गया फिल्म थी भारो भूल बरसाओ ना, तो मैं थोड़ी, मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी बहुत छोटी, मैंने देख ली ना फिल्म, तो मैंने पर शट अप, तो वो ना मेरी, मैंने कहा मामा मामा मुझे ना वो ड्रेस चाहिए, उसमें वो ऐसे दरवाज़ा पकड़ के रानी बेगम खड़ी थी ना, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन पीच कलर का तंग पजामा और कुर्ता उन्होंने पहना था। मैंने उससे कहा मुझे ये चाहिए हर सूरत में, छोटी सी थी मैं, बिल्कुल बेबी थी। उन्होंने कहा बेबी तो फिक्र ना कर, मैं तुझे बना दूँगी। और बना दिया और मैं पूरी रात उसको देखती रही कि कब सुबह होगी और कब मैं पहनूं। अच्छा, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये सिंगर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, मगर ये अब एक्टिंग भी करती हैं और आप सिंगिंग भी करती हैं, तो आज ईद का मौका है, थोड़ा सा अगर कुछ गुनगुनाना हो जाए तो क्या ख्याल है आपका? बाकी के सामने मैं कैसे गुनगुनाऊं? गुनगुना भी नहीं सकती। तो अगर आप इजाज़त दें बाजी तो। मेरी इजाज़त किसको ज़रूरत है, मेरे पूछे बगैर इसने मेरी फिल्में ले ली, अब जो मर्जी करें। तो आपने फिल्में क्यों ली? इन्होंने भी तो मुझसे पूछे बगैर शादी की थी।
देखो शादी की बात नहीं होगी यहाँ, पहले बात हो चुकी थी यहाँ, किसी एक शादी की भी बात नहीं, नहीं, नहीं शादी। एक शादी की मतलब क्या? शादी की बात ही नहीं करनी चाहिए इंसान को। अच्छा ये गलत बात, हम नहीं करेंगे शादी की बात। चलिए मेरे ख्याल में ब्रेक लेनी चाहिए इस बात पर, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। टिश्यू है? हाँ टिश्यू मंगाते हैं। तो जी थोड़ी सी इमोशंस का कुछ ज्यादा हो गया, तो ईद का मौका है, अभी थोड़ी सी फ्रेश होकर आते हैं। सजी है सितारों का जहां। इन्होंने क्यों निकाली ये बात, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? हाँ। क्यों? क्योंकि तुमने कहा ना, तुमने कहा तो बस मुझे याद आ गया। वैसे ये मुझे जेवर उन्होंने ही लेके दिया था। अग बल दे जावे तेनु समझ ना आवे, बुरा हाल होए दिल बेईमान दा, मौसम खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां जी। नाज़रीन वेलकम बैक। स्टार एंड स्टाइल सीजन 2 की तमाम टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन आसिम आज हमारा प्रीमियर एपिसोड है, ईद का मौका है और नाज़ो जी एंड शानो हमारे साथ मौजूद। लेकिन आप देख नहीं रहे कि ब्रेक पे जाने से पहले नाज़ो जी कितना इमोशनल हो गई थी। हाँ, नाज़ो क्यों आप हो गई थी? क्या हो गया नाज़ो जी? बात सुनो, बात ये कि ठीक है प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी होती है। उसने मुझसे साड़ियाँ ले ली, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है फिल्में ले ली, कोई बात नहीं। शोहर भी ले लिया। शोहर ले लिया शानो? ये क्या किया आपने, ये कैसे हुआ शानो? धोखे से हो गया बिल्कुल। I had no idea. तो धोखा आपने इनको दिया या आपको? किसी को नहीं दिया, किस्मत का जो लिखा होता है वो हो के रहता है। फिर भी मुझे खुशी की कौन सा इसके पास है। अच्छा इनको भी छोड़ के चले गए हैं वो। शानो क्या हुआ फिर आपके साथ, आपको क्यों छोड़ा उन्होंने? मैंने कह दिया दफ्तर दफ्तर दफ्तर, अगर दफ्तर ही जाना था तो क्यों की थी मुझसे शादी, बोलो। तो ये मतलब आपको टाइम नहीं देते थे? कौन सी तो मसला, तो कभी आपको वेकेशंस पे नहीं लेके गए, शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं? मुझे तो याद भी नहीं, पता नहीं इन्होंने क्यों निकाली ये बात, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? क्योंकि तुमने कहा ना, तुमने कहा तो बस मुझे याद आ गया। वैसे ये मुझे जेवर उन्होंने ही लेके दिया था, इसको नहीं लेके। अच्छा आपको इसका मतलब बहुत शॉपिंग कराते थे? नहीं मगर वो भी माशाल्लाह से ज्वेलरी, क्या फैबुलस ज्वेलरी है, छोटे हैं कड़े इसके मेरे, बट दीज आर डायमंड्स यू नो, डायमंड्स। This is not normal gold. This is diamond. खैर आप अपना शो ना खराब करें, हम ठीक हैं शुक्रिया। नहीं नहीं क्योंकि ईद का मौका है तो शो तो हमारे आपके आपने चार चांद लगा दिए हमारे शो पर आके। दो इतनी बड़ी हस्तियां हमारे शो पर आ जाई हैं ईद मनाने हमारे पीटीवी के व्यूअर्स के साथ। जितना आप लोग हमें रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो देखिए हमने आपकी फरमाइश पूरी की और आपकी दो फेवरेट स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को एक साथ बुला के आप लोगों की मुलाकात दोबारा करा दी। आप लोग कितना खुश होंगे इस वक्त? शानू जी तो बहुत खुश हैं, उनके चेहरे पर नजर आ रही है खुशी। बिकॉज मैं स्वीट भी तो हूँ ना। तो आप क्या कह रही हैं, ये स्वीट नहीं है? नहीं स्वीट है, थोड़ी थोड़ी सॉर भी है। अच्छा मैं स्वीट स्वीट हूँ। हाउ स्वीट। अच्छा अच्छा जी ये ईद का मौका है तो हमारे शो में जो पहले गेस्ट आए थे मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ क्योंकि सेलिब्रेशन का मौका है, हमें सबको साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और एंड में मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाज़ो जी आपसे कि इस ईद के मौके पर एक बहुत अच्छा सा गाना हमारे साथ। मेरा तो गला नाज़ो प्लीज मेरी खातिर। अब तो मैंने बाजी भी हटा दिया। चलिए आप इतना इसरार कर रहे हैं तो कोशिश करती हूँ। सो लेट्स इनवाइट वंस अगेन एहसान खान। The very talented Hamid Lateef. जी तो ईद का मौका है, हमारे साथ इतनी बड़ी स्टार्स हैं मगर सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि आज का शो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे शो की आज जो आउटफिट्स की डिज़ाइनर थी वो थी रानी ईमान बाय फरजीन, जो कि ब्यूटीफुल आउटफिट शर्मीन ने शानो जी ने पहने हुए हैं और जो हमारे स्टाइलिंग पार्टनर हैं डेपिलेक्स, क्योंकि ईद का मौका है आप सबके लिए ईदियाँ आई हैं जी। जी तो ये मुसर्रत मिसबा की तरफ से उनके मेकअप का नाज़ो जी के लिए। थैंक यू स्वीट, सो स्वीट, कांग्रेचुलेशंस।
और ये एक मेकअप बॉक्स जो है हामिद आपके लिए. थैंक यू सो मच. हाँ जी, थैंक यू. हाउ स्वीट. ये खास तौर पे ब्यूटीफुल आउटफिट बाय रानी ईमान. ओह वाह, ये उनकी तरफ से आपकी ईदी. रानी ईमान थैंक यू सो मच डार्लिंग. खैर इसकी तो आदत है लोगों से कपड़े वपड़े लेने की. चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स जो है ये ईदी है एहसन खान और उनके बच्चों के. स्टार इन स्टाइल की तरफ से. लवली लवली. ईद पे खूब सारी चॉकलेट्स. जी जी. जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ईद का मौका है, आप हमारे लिए परफॉर्म करें और इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारे रेगुलर प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे स्टार इन स्टाइल सीजन 2 के. और मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ देख के. आपकी सारी गुफ्तगू सुन के आपका ये दिल चाहता है कि मैं आपके ऊपर सीटी मारूं बट मेरी लिपस्टिक खराब हो जाए. आपका लेकिन दिल नहीं चाह रहा मुझे लगता है शो को वाइंड अप करने का. जी, मगर आपको पता है हर खूबसूरत चीज़, हर खूबसूरत महफिल उसका इख्तिताम होना होता है. हम सब की तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से रेगुलर प्रोग्राम्स देखेंगे. तेरे मेरे प्यार धाराया मौसम अग बल दे जावे तेनु समझ ना आवे. जो नजर